जन्माष्टमी का पर्व समग्र देश को, बल्कि जहाँ भी भारतवासी होंगे वहाँ भी उस समूह को हर्षोल्लास से भर देता है। ये त्यौहार उस पवित्र देवात्मा का यादगार है जिसे सब प्यार करते हैं। श्री कृष्ण जी जिनको बच्चों से लेकर माताएं भाई सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके जैसा सर्वगुण संपन्न मनुष्यात्मा इस संसार में और कोई नहीं है। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण जन्म की यादगार है और उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक कथाएं हमें कई आध्यात्मिक रहस्यों का बोध कराते हैं। पौराणिक रूप से तो हम सब यही जानते हैं कि कंस ने जब देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, वहाँ श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था। परंतु वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत ही ऊंचा है और आज के समय को देखते हुए हमें वो राज बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि जब संसार विकारी आसुरी प्रवृत्तियों से भर जाता है और आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यात्माओं के गलत कर्मों से जब संसार आततायी हो उठता है और हमारे अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करें और फिर से इस संसार को देव भूमि बना दें। हमारे देश का तो गायन है कि ये देव भूमि थी, देवी देवताओं की भूमि थी, दाताओं की ये भूमि थी। हम गाते भी हैं कि ये वो देश है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। इसी गीत में अगर आगे की पंक्तियों को आप सुनेंगे तो उसमें यही कहा गया है कि ये वो देश है जहाँ हर बालक एक मोहन था, राधा एक एक बाला। केवल एक श्री कृष्ण या केवल कोई एक राधे की बात नहीं, लेकिन ये देश वो था जब जहाँ हर बालक कृष्ण जैसा था, हर बालिका राधा जैसी। ये गीत ही सिद्ध करता है कि ये भारत देश ही सतयुग के समय स्वर्ग था, देवी देवताओं की भूमि थी। यहाँ हर बालक हर बालिका माना हर इंसान दिव्य गुणों से संपन्न था, संपूर्ण निर्विकारी था, 16 कला संपूर्ण था। ऐसे देवात्माओं का प्रतीक श्री कृष्ण के जन्म का यादगार त्योहार आज भी इतना जनमानस में उमंग उत्साह भर देता है। अगर हम स्वयं श्री कृष्ण जैसे दिव्य गुणों से संपन्न बन जाएं, तो हमारा जीवन और हमारा ये समाज भी कितने उमंग उत्साह से भर जाएगा। तो जन्माष्टमी के पर्व निमित्त सिर्फ उस एक दिन की खुशियां न मनाएं, केवल श्री कृष्ण को श्रृंगारित करके, केवल झूले में उस दिन झुलाकर अल्पकाल का आनंद लेने की केवल बात नहीं है, लेकिन हम हरेक स्वलक्षी दृष्टिकोण अपनाएं कि हमें भी श्री कृष्ण जैसा दिव्य गुण संपन्न देवता बनना है। आज हम श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और खुश होते हैं, उसकी महिमा गाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण जैसे दिव्य बन जाएं, गुण संपन्न बन जाएं, तो हम तो खुश रहेंगे ही, लेकिन समाज में फिर से दिव्यता स्थापन करके
सदाकाल के उमंग उत्साह और खुशी और सात्विकता और दिव्यता का वातावरण ला सकेंगे। वास्तव में यही जन्माष्टमी का हम सबके लिए संदेश है, आदेश है, बोध है।